वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण है ये सर्वमान्य है। अधिकतर जो यहाँ पर नामकरण किए गए हैं सब जगह ये माने जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन से सर्वमान्य हैं कौन से नहीं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है ये हिंदी साहित्य में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है, इसे सब जगह मान्यता प्राप्त है। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें बता देता हूँ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी पचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसे किया गया था नागरी पचारणी सभा के द्वारा। इसके पश्चात हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में इसे प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर कब किया गया था? 1929 में। इसके पश्चात जो आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है, संख्या है 1000। आगे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सिंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। याद रखना आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह नहीं कहा गया है। जो होंगे तो उसमें होगा शिवसिंह सिंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो किस प्रकार का है? तो ये विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो कुछ ये मैंने आपको तथ्य बता दिए, इनको आपको याद रखना है। तो चलिए आगे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है जिसमें इन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया गया है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने आदिकाल को नाम दिया था तो वो दिया गया था वीरगाथा काल। याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। उसके पश्चात जो पूर्व मध्यकाल, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है, ये भी सर्वमान्य है सिवाय वीरगाथा काल के। तो जो उत्तर मध्यकाल है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, ये भी सर्वमान्य है, इसे भी सब लोग रीतिकाल ही कहते हैं। उसके पश्चात जो आधुनिक काल है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल कहा है। यहाँ पर आपको दो याद रखने हैं नाम, कौन कौन से? एक तो आपको वीरगाथा काल नाम रखना है याद, जो आदिकाल के लिए कहा गया है, और दूसरा जो गद्यकाल, ये इन्होंने आधुनिक काल के लिए नामकरण किया गया है। इसके पश्चात जो इन्होंने काल विभाजन किया है वीरगाथा काल का, तो ये किया था इन्होंने संबत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो भक्ति काल के लिए इन्होंने नामकरण किया था तो वो था संबत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो रीति काल के लिए किया था तो वो किया गया था संबत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। और जो सबसे अंत में है गद्यकाल, तो इसको इन्होंने 1900 से लेकर 1984 विक्रमी तक किया था। तो कई बार ये सीधा प्रश्न भी बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में विभक्त किया था? तो ये किया था 4 भागों में। कौन कौन से? वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल और गद्यकाल, ये इनके 4 प्रमुख भाग थे। आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन एवं नामकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने भी स्पष्ट अपने इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में विभक्त किया था। तो वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला होगा तो वो था प्रारंभिक काल, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं, पहला है संधिकाल, उसके पश्चात है चारण काल। एक बार जो कॉलेज कैडेट की परीक्षा हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर यह प्रश्न बना था कि जो आदिकाल को चारण काल नाम किसने कहा था? तो वो कहा था, विकल्प के अनुसार वो सही होना था, राम कुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर देखिए चारण काल इन्होंने नाम दिया है आदिकाल को, उसी का एक ये भाग है। उसके पश्चात आता है इनका भक्ति काल, उसके पश्चात रीति काल और सबसे अंत में आधुनिक काल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पैटर्न था उसी को इन्होंने भी फॉलो किया है। तो चलिए इनके जो काल विभाजन का समय है उसे भी देख लेते हैं। जो प्रारंभिक काल था इन्होंने उसे 2 भागों में विभाजित किया है, संधिकाल और चारण काल। जो संधिकाल का समय था ये था संबत 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक। उसके पश्चात जो चारण काल था इसका समय इन्होंने बांटा है संबत 1000 से लेकर 1375 तक।
तो इसके पश्चात जो दूसरा है भक्ति काल, इसका समय इन्होंने रखा है संबत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक, और जो रीति काल है इसे इन्होंने संबत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक रखा है, और तो जो आधुनिक काल है इसे इन्होंने संबत 1900 विक्रमी से लेकर अभी तक कंटिन्यू रखा है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर अभी तक आपने इसके बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।